अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? व्यूअर्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए पाकिस्तान का मशहूर नाश्ता हलवा पूरी। वैसे तो इसको हलवा पूरी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर चने की तरकारी भी होती है और आलू की तरकारी भी होती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल हलवा पूरी। अब हम आलू की तरकारी बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 किलो आलू जो हैं वो बॉयल करके ले लिए हैं। इनको हमने बॉयल करके पील कर लिया है। अब इसको हम मैश कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल मैश नहीं करना है, थोड़ा सा हमने मोटा रखना है इसको, क्योंकि जैसे हमारी सब्ज़ी जो होती है तरकारी, उसके अंदर आलू मोटे होते हैं, कुछ बिल्कुल पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। बस इतना आपने इसको मैश कर देना कि ये टूट जाए, ये काफ़ी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 6 कप पानी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं डलेगा। अब हम इसका चूल्हा जो है उसको ऑन कर देते हैं। आलू का चूल्हा हमने जला लिया है, इसको हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून जो है वो डाल रहे हैं अपना नमक, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम मेथी दाना डालेंगे, 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाल दिया हमने इसके अंदर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं कलौंजी, 2 टीस्पून इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। ये अपने आप जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी कर खाते हैं तो 3 भी डाल सकते हैं। ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, इसको हम थोड़ा सा हाथ से कूट लेंगे और थोड़ा सा कूट के इसको हम अंगूठे से प्रेस करके फिर इसके अंदर डालेंगे। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे इसकी खुशबू जो है वो निकल आएगी। और फाइनली इसके अंदर 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं हल्दी, टर्मरिक। अब इसके अंदर कुछ चंक्स जो हैं वो आलू के जैसे बड़े बड़े रह गए, थोड़ा सा मज़ीद हम इनको मैश कर लेंगे। अब इसको हम तेज़ आंच पे रखेंगे। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो अब इसकी हम आंच स्लो कर देंगे और इसको थोड़ा पकाने के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी आलू की तरकारी जो है तैयार हो गई है। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। आलू की तरकारी हमारी तैयार हो गई है। 15-20 मिनट हमने इसको पकाया है और यह हमारी तरकारी जो है रेडी है। ये आलू की तरकारी हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑयल शामिल नहीं किया गया है, बगैर ऑयल के बनी है। आप इसको बनाएं, इंजॉय करें, हेल्दी डिश है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है।